नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि साई ट्रैवल चैनल। दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं सारनाथ। सारनाथ बनारस के पास में है। तो अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूं, तो गाड़ी मैं अपने किसी फ्रेंड के यहां छोड़ूंगी और वो फिर मुझे वहां से पिक करके एयरपोर्ट ले जाएगी। तो अब आपको मिलते हैं बनारस में। वाराणसी शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ घनी आबादी के बीच बसा एक शांत और आध्यात्मिक शहर है, जो बौद्ध, जैन और हिंदुओं का एक आदर्श तीर्थस्थल माना जाता है। यह वह जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला धर्म उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। और यही कारण है कि यहाँ देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आज दुनिया भर में 400 मिलियन से भी अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। दुनिया के अनेक देशों में बौद्ध धर्म का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे अपने 5 शिष्यों के साथ बैठे हुए दर्शाया गया है। इसके आसपास में तमाम जगहें हैं जहाँ पर बौद्ध उपदेश लिखे हुए हैं। ये वो स्थान है जिसे बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। बाकी 3 स्थलों में से हैं बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। चलिए अब उस स्थान की ओर आपको ले चलते हैं जहाँ पर विशाल स्तूपा बना हुआ है। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, बौद्ध धर्म की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने धम्म को स्थापित किया था। यहाँ बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग महामार्गों का सिद्धांत दिया, जो ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। From the 5th century BC, when Buddha was here, the earliest evidences of this area we have got from 3rd century BC, 200 years after the Buddha, when Emperor Ashoka visited this particular place. When he visited in 3rd century BC, he traced out, he found out the 2 important places in this area. Number one, where Buddha's residence was there, and number 2, where Buddha given his first sermon to his first 5 disciples. And just to mark that place, he erected a huge structure that you can see over there. It's called stupa. Stupa is nothing but a kind of commemorative structure. It's a kind of memorial. And that huge massive structure over there, that is called Dhammik Stupa. Dhammik Stupa was built on the place where Buddha delivered his first sermon to his first 5 disciples. पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर अशोक स्तंभ और दूसरे मॉन्यूमेंट्स के अवशेष को भी संरक्षित रखा गया है। बौद्ध धर्म गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है और यहाँ पर अनेकों देशों के ऐसे लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। यह है प्रसिद्ध जैन मंदिर। This is the birthplace of 11th preacher of Jainism. His name was Shreyansanath and he was before Buddha. So he was here before Buddha, Shreyansanath. सारनाथ में कई मंदिर, मठ, संग्रहालय और उद्यान हैं, जो बौद्ध धर्म और उनके इतिहास को समर्पित हैं। He was a man from a great Buddhist philosopher from Sri Lanka. He came here and he spent whole life on this spot. And then he founded this temple here. That is famously known as Mahabodhi Society of India. ऐसे ही यहाँ का तिब्बती मंदिर है, जो शाक्यमुनि बुद्धा के जहाँ पर बड़ी सी मूर्ति है और ये थांगसा चित्रकला से इनकी दीवारें सजाई गई हैं। इस स्थान पर थाईलैंड, तिब्बत, चीन, जापान से भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। सारनाथ में स्थित थाई मंदिर थाई वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। यह मंदिर सुंदर बगीचों के बीच बना हुआ है, जो यहां आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और
अब चलते हैं भारत माता मंदिर। यदि आप अपने मातृभूमि की भौगोलिक स्थिति को समझना चाहते हैं तो इस मंदिर को अवश्य देखें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा सारनाथ का सफ़र पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।